नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों को। दोस्तों आज देख सकते हैं हमारे वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने से सभी फसल नुकसान हो चुकी है, चाहे वो गन्ना हो, धान हो, गोभी हो, फूलगोभी है। जहाँ तक आपको नज़र देख पा रही होगी, जिस खेत में आपको दिखा रहे हैं, इस खेत में भी अभी फसल लगी हुई है। आप देख सकते हैं इधर धान में भी काफ़ी इतना ज़्यादा पानी हो चुकी है, तो धान नुकसान हो चुका है क्योंकि अभी पक के तैयार था हार्वेस्टिंग के लिए। देख सकते हैं गन्ने की क्या हालातें हुई हैं। हमारे वहाँ इतना ज़्यादा तूफान हुई थी जिसके कारण किसान साथियों, रोड तो चलिए दिखाते हैं आपको कितने ज़्यादा हम लोगों का नुकसान हुआ है। देख सकते हैं आपको जहाँ तक नज़र दिख पा रही होगी वहाँ तक एकदम पानी ही पानी है किसान साथियों। पानी की बहाव भी नहीं हो पा रही, इतना ज़्यादा पानी है किसान साथियों। देख सकते हैं जिस जहाँ तक मेरी मतलब आपको कैमरा के द्वारा दिखाई जा रही होगी, वहाँ तक सभी खेतों में फसल इसमें लग चुकी थी। किसी में गोभी, बैंगन, अलग अलग तरह की तरह तरह की सब्जियां लगी हुई है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रोड भी क्रॉस करके तोड़ के जा रहा है। चलिए आगे दिखाते हैं उस खेत में क्या बुआई हुई है। तो लाइव प्रूफ आपको दिख पा रहा होगा, उधर थोड़ा सा उधर ऊँची ज़मीन है तो उधर की आपकी गोभी दिख पा रही होगी, लेकिन थोड़ा इधर क्या है कि थोड़ा इधर खाल की तरफ है, यहाँ पानी एकदम भर चुकी है, गोभी आपको एक भी नहीं दिख पा रहा होगा। किसान साथियों इस तरह के जैसे गन्ने की हालात तो दिख पा रहे होगे आपको, धान की हालात, जितने भी हमारे वहाँ फसल लगाई गई थी किसान साथियों, वो किसान एकदम बर्बाद हो चुका है। किसान साथियों मात्र 12 घंटे के अंदर बारिश इतनी ही ज़्यादा हुई है कि मिट्टी के कटाव के साथ धान के क्या हर फसल नुकसान हो चुकी है। देखिए ज़रा आप दिख पा रहा होगा आपको गोभी की हालात, देख रहे हैं आपको गोभी की हालात एकदम बदतर हो चुकी है। उधर मेरा खेत है जैसे देख रहे हैं, वो इसमें भी गोभी एकदम बर्बाद हो चुकी है किसान साथियों। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुई है कि पानी एकदम लग चुकी है, ऊपर से बहाव हो रही है। किसान साथियों आगे चलिए आपको भी दिखाते हैं कितना मेरा और नुकसान हुआ है, और अन्य भी किसान साथियों के जैसे देखते हैं ये भैया जी का धान है, इनका भी नुकसान हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसान साथियों इस बारिश की वजह से। बारिश से एकदम तबाह हो चुके हैं हमारे वहाँ के सभी किसान। किसान साथियों देख सकते हैं पानी की बहाव इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि गोभियाँ की हालत ख़राब हो चुकी है। हमारे वक्त का साथियों सबसे ज़्यादा इस टाइम पे गोभी लगी है, और इस समय पे सबसे ज़्यादा गोभी की हालत ख़राब हो चुकी है किसान साथियों। पानी बहाव की कोई व्यवस्था नहीं की थी, जैसे आपको दिखाते हैं थोड़ा हम कैमरा जूम करके, लेकिन देख सकते हैं इसकी हालातें क्या है। चारों तरफ खेत में एकदम पानी, चारों तरफ कहीं पर भी आपको सूखी ज़मीन कहीं नहीं दिख पा रहे हो, क्योंकि हर जगह पर एकदम पानी ही पानी। हमने अभी बारिश जस्ट अभी हो रही है, फिर भी हम लोग यहाँ आए हैं हाथ देखने के लिए। किसान साथियों देख सकते हैं इधर बहुत ही ज़्यादा नुकसान बारिश के कारण, इसमें देख सकते हैं इधर में कॉलीफ्लावर, गोभी की इसमें रुपाई हुई थी आपको दिख पा रहा होगा, फिर भी लेकिन एक भी बचने का कोई चांस। बारिश के कारण यूपी में एकदम से हिला डाला है। देख सकते हैं इधर मूली की जो खेती है उसमें भी, इधर लोबिया प्लांट, अन्य भी जितने प्लांट थे, अन्य जितनी भी फसल और की सब्जियाँ थी। किसान साथियों हमारे वहाँ जहाँ तक आपको नज़र दिख पा रही होगी, हर जगह इसमें जितनी भी प्लांट है गोभी की आपको लाइनें कहीं कहीं दिख पा रही होगी, इतना बारिश इसमें हुआ है कि खेत में लगभग 3 से 4 फीट तक इसमें पानी लग चुकी थी। किसान साथियों यहाँ पे नहीं, चारों तरफ आपको जहाँ तक नज़र दिख पा रही होगी वहाँ तक एकदम से पानी ही पानी, पानी की कहर लगी हुई है। देखिए यहाँ पे लगभग 2 फीट से ज़्यादा यहाँ पे पानी है किसान साथियों। पूरे खेत में यहाँ से लेकर चारों तरफ जहाँ तक आपको हम नज़र दिलाएँ वहाँ तक पानी ही पानी है किसान साथियों। इसके लिए हेल्प क्या कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो डिमांड है, जब उनकी कृपा होगी तो खेत बरसात को रोकेंगे, तभी किसान कोई अगला कदम उठा सकते, क्योंकि किसान साथियों बारिश से एक एक फसल नुकसान हो चुकी है किसान की। आपको कैमरे के माध्यम से दिख पा भी होगा जहाँ तक आपकी नज़रें जा चुकी होगी, अभी भी देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो ही रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भी। चलिए दोस्त आज हम अपने उस बड़ी वाली गोभी की हालात दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले आपको हम वीडियो बताए थे ग्रोथ के लिए, उसकी हालात देखिए पानी की वजह से वो खुद ही डैमेज हो ही रहा है। और इसे इधर पानी क्या है, पानी की बहाव किसी भी तरफ बहाव की व्यवस्था नहीं है। इधर देखिए अंकल जी का है गाँव में कि, और यह है मेरा गोभी की प्लांट, गोभी की प्लांट देख सकते हैं काफ़ी समय पर ग्रोथ में थी लेकिन इस समय पर बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ से आपको यहाँ तक जो भी दिख पा रही होगी एकदम से डूबा हुआ और एकदम से बेकार हो जाएगा, क्योंकि किसान साथियों जब बारिश आ जाती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान मिलती है, जिससे कि किसान अब सहन नहीं करता है, क्योंकि किसान साथियों ये जो नुकसान है
हमारे एक मंथ की जो मेहनत है, अगर जैसे बारिश जब नहीं रुकेगी तो हमारी प्लांट क्या ख़राब हो जाएगी। इससे हमारी प्लांट किसान साथी भी परेशान होंगे, जिससे कि किसान साथियों इधर क्या मैं आपको ज़्यादा बताऊं, परेशानी की कोई मंजर नहीं, हम किसी के समंदर नहीं। गोभी का हाथ देख रहे हैं ना, डूब गया है एकदम से। उधर देखिए, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, बगल में अंकल जी का, उनका भी डूब गया है। जहाँ तक आपको नज़र दिख पा रही होगी, यहाँ तक पानी की बहाव हल्का फुल्का इधर चल रहा है, लेकिन इधर भी जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए साथियों अभी हम जस्ट छाता लेके अपने आए हुए हैं आपके लिए, एक छोटा सा सोचे वीडियो ना था कि हमारे वहाँ के हालात क्या है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए हमारे वहाँ के किसान कितने अच्छे से परेशान हैं, ऐसे में हम भी तो परेशान हैं, लेकिन क्या करें, फिलहाल जो भगवान की मर्जी है वो तो हो के ही रहेगा। चलो थैंक यू सो मच, आप लोग भी कुछ कमेंट करो कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ब्रजत जैन।